Hello everyone, my name is Anwar Kazi, residing at Vasai West. Recently I have completed graduation in BCA. Currently I am working at Basin Catholic Cooperative Bank as a network and DEX support engineer. So I started my journey from Jet King in year 2019. So at that time, कैसा होता था कि मैं हम लोग जो स्कूल लाइफ है तो स्कूल लाइफ में जो टीचर्स रहते थे वो उतना प्रोफेशनल नहीं बता पाते थे जितना यहाँ पर बताते हम लोगों को. तो इन जैसे कि हम वहाँ पर अगर करियर गाइडेंस की बात करें तो जो भी करियर गाइडेंस वाले भी आते थे तो वो आईटी फील्ड के रिलेटेड जो भी जॉब्स रहते थे वो उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे स्टूडेंट को, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले पाता था. तो नॉर्मली जब हम स्कूल लाइफ में पूछते हैं किसी से भाई क्या बनेगा, या कोई भी टीचर आके पूछेगी, तो लोगों का या बच्चों का जो दिमाग रहता है उनका माइंडसेट यही रहता है कि डॉक्टर या इंजीनियर, राइट. तो बिकॉज जो करियर गाइडेंस वाली टीम भी रहती थी वो लोग उतना अभी बता नहीं पाते थे. तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, मेरा भी माइंड सेट सेम वैसा ही था व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड. तो एवरी टाइम मैं जब भी टीचर आती थी, पायलट बनेगा, मैं इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, यही तीन चीज़ जो है जबान पे रहती थी. तो 12th के बाद मैंने 10th में जो है टॉप किया था, देन आई प्रेफर टू चूज़ साइंस स्ट्रीम. तो देन साइंस स्ट्रीम के बाद मेरा 12th के बाद मैंने सोचा कि अभी मुझे क्या करना है. तो आई सिलेक्टेड बीएससी, प्लेन बीएससी मैंने लिया. मेरा ग्रेजुएशन जो है मैंने स्टार्ट किया विले पार्ले में. तो मुझे ट्रैवलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती थी, तो देन मैंने उसको सोचा कि मैं अभी इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ. देन और मैंने साइड में ये भी सोचा कि मेरा ईयर मैं वेस्ट क्यों करूँ. तो देन मेरे एक स्कूल सर ने जो है मुझे सजेस्ट किया कि जेट किंग ट्राई करना चाहिए. तो मैंने फिर जेट किंग को चेकआउट किया. एट दैट टाइम यहाँ पर जो है सुचित्रा मैम अवेलेबल थे. तो उन्होंने जैसे ही मैं आया तो उन्होंने अपना एक इंट्रोडक्शन बताया कि जेट किंग इतने ईयर्स से काम कर रहा है आईटी इंडस्ट्री में. स्टार्टिंग से जो स्टोरी है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, देन कितने कैंडिडेट को जो उन्होंने सक्सेसफुली इनरोल्ड किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया. तो मेरा भी इंटरेस्ट होने लगा कि उन्होंने फिर एक चीज़ ऐसा बताया कि जो हम लोगों को स्कूल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं था. लाइक हम जब भी आईटी में हम कोई भी सब्जेक्ट लेते थे तो वहाँ पर हम लोगों को ऑलमोस्ट देखा है कि 20% ही हम लोगों को लैब में एंट्री मिलती थी, बाकी सब जो है हमको थियोरी रहता था. तो यहाँ पर उसका रिवर्स था, उल्टा था, कि यहाँ पर ये लोगों ने बोला कि हम लोग जो है 70 to 80% हम लोग आपको लैब ट्रेनिंग देंगे, एंड ओनली 20 to 30% जो भी रहेगा वो पोर्शन आपका थियोरी रहेगा. अर्जुना एंड द्रोणा, दीज आर टू लैब्स अवेलेबल. तो बेसिकली एक लैब में हमको जो है थियोरी ट्रेनिंग दिया जाता है, एंड सेकेंड लैब में जो है हमको यहाँ पर लैब ट्रेनिंग दिया जाता है, जहाँ पर कैंडिडेट जो या स्टूडेंट जो है इन हैंड प्रैक्टिस कर सकता है. एंड सेकेंड थिंग, आपको मोटिवेशंस के लिए मोटिवेशन स्पीकर से, देन आपको वीकली एक्टिविटी शेड्यूल करते हैं, पीडी लेक्चर्स अरेंज करते, तो आपका मॉक इंटरव्यू रहता है, एंड ऑल्सो अदर्स एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर परफॉर्म की जाती है, मेडिटेशन किया जाता है आपको. तो ये जो है आपको एक, जब आप मॉर्निंग में आते हो या कभी भी आते हो तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, साथ जो आप लर्न कर रहे हो वो आपके दिमाग में स्टोर होता है बहुत टाइम तक के. लेकिन हम जो भी पढ़ाई करते हैं, कहा जाता है कि आईटी में अगर 40 दिन का गैप रहेगा तो आपका 4 महीने का गैप हो जाता है. जो भी हम प्रैक्टिस करें तो वी शुड रिमाइंड इट सेल्फ, एंड आपको जो है उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, देन यू कैन अचीव जो आपका जो गोल रहेगा वो आप अचीव कर सकते हो. सो जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैम मुझे साइड बाय साइड वही जॉब करना है. तो उन्होंने मुझे एक प्लेसमेंट दिया तिकोना ISP था. तो वहाँ पर जो है मुझे प्लेसमेंट मिला. वहाँ पर जो मेरा सैलरी था वो 2 lakh CTC था. एंड देन फिर कोर्स कम्प्लीट होने के बाद मुझे, मैंने जो यहाँ पर एक और पेंडेमिक के ड्यूरिंग पेंडेमिक वन मोर कोर्स आर देयर. तो मैंने CEH दैट इज सिटी का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स, वो मैंने इनरोल किया, जो कि मुझे वो टाइम पे हाफ प्राइस में ऑफर किया गया था. देन फिर वो इनरोलमेंट करने के बाद मेरा जो है कंप्यूटर में एंड नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका था, और मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यही फील्ड में आगे जाना है. या तो मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के इस पर जाना चाहता हूँ पोस्ट पर, या सेकेंड मेरे पास ऑप्शन था कि मैं, बेस्ट रहेगा तो मैं साइबर सिक्योरिटी में, अगर मेरा पूरा एफर्ट में डाल रहा हूँ तो साइबर सिक्योरिटी का प्लेसमेंट मिलता है. तो मेरा वो गोल मैंने सेट करके रखा था. फिर सेकंड मेरा, जैसे ही वो जॉब मैंने 6 month कंप्लीट किया, एंड सेकंड मुझे और एक यहाँ से रिप्लेसमेंट मिला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स.
वो जो है मुझे बसिन कैथलिक कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ पर मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर्स से एज अ नेटवर्क इंजीनियर, जहाँ पे मुझे सिटीसी प्रोवाइड किया जाता है 3 लाख पर एनम। सो नाउ आई एम मूविंग अगेन, और मुझे जो है वन ऑफर और मिला है, दैट इज़ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंजीनियर, जहाँ पे मुझे पैकेज मिल रहा है 5 लाख का। तो या इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड वेरी ग्रेटफुल जर्नी विद जेट किंग फॉर मी, एंड आई विश जेट किंग जो है अपना पोजिशन नंबर 1 पे ऑलवेज मेंटेन रखे। आई वॉन्ट टू स्पेशल थैंक्स टू मनोज सर, शंग्रीला मैम एंड अदर फैकल्टी स्टाफ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया मेरे करियर को जो है एक बूस्ट पे लेके जाने के लिए, इतना गाइडेंस दिया। सो या थैंक यू फॉर जेट किंग, एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी अगर किधर करियर की गाइडेंस या करियर के तलाश में चल रहे हो तो आप यू कैन चेक आउट जेट किंग फर्स्ट, तो मे भी आपको हो सकता है कि आपका करियर यहाँ पे बिल्ड हो सके। थैंक यू फॉर एनी।